हेलो एवरीवन वेलकम दिस वीडियो सो गाइस महाराष्ट्र एल एल बी एग्जाम के लिए सिर्फ तीन दिन बाकी है गाइस और एग्जाम जैसे जैसे पास में आती जा रही है वैसे वैसे दिल की धड़कने भी तेज होती जा रही है इसीलिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए जो है थोड़ा सा काम आसान हो जाए उस पर्पस के लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट करंट अफेयर्स वीडियो का पार्ट टू इसमें अपलोड कर दिया है स्टैटिक जीके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी मैंने अपलोड किए हैं इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन भी अपलोड किए हैं इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ और अगर अब तक वीडियो नहीं देखा है तो यार अब तो देख लो क्योंकि सिर्फ तीन दिन बाकी है एग्जाम के लिए और कब जाके आपकी एग्जाम हो जाएगी आपको रियलाइजेशन भी नहीं होगा और गाइज अगर आपने अभी तक अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट नहीं करी हुई है एग्जाम की तो गाइज बी एड्यूकेयर आपके लिए लेके आ रहा है ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट होगी गाइस 150 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे 150 मार्क्स के लिए जहां पे आप एग्जाम से पहले जो है अपनी एग्जाम को फील कर पाओगे जस्ट इमेजिन एग्जाम देने से पहले जाके जो है आप फील कर पाओगे कि मुझे क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है और ठीक उसी तरीके से एग्जाम होगी जो आपकी ओरिजिनल एग्जाम होने वाली है तो ये मॉक टेस्ट जो है ये आपको फील देगी एक आइडिया देगी एग्जाम के पहले और ये दस तारीख को हो रही है गाइस ताकि आपके पास बफर टाइम रहेगा बफर टाइम इसीलिए बिकॉज बाकी का दिन अब यहाँ पे सुबह को दस बजे मॉक टेस्ट दे दीजिए और फिर उसके बाद जो है दस का पूरा दिन ग्यारह का पूरा दिन आप क्या कर पाओगे उन टॉपिक्स पे पे फोकस कर पाओगे जहां पे आपको लग रहा है कि मुझे रिविजन की जरूरत है तो गर्स बिना कोई देरी से फटाफट से ये मॉक टेस्ट अपियर करो सिर्फ फोर्टी नाइन रुपीज में ये ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट है एंड यहाँ पे आप जानिए कि एग्जाम किस तरीके से होती है यू कैन फील द एग्जाम बिफोर द एग्जाम तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंपनी ने लॉन्च किया है टीम इंडिया का जर्सी फॉर द अपकमिंग आईसीसी वर्ल्ड कप 2023। करेक्ट आंसर है एडिडास नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस जो है ये हर साल कौन से तारीख को सेलिब्रेट किया जाता है करेक्ट आंसर है चौदह सेप्टेम्बर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द द द नेम ऑफ ऑफ न्यूली अनवील्ड इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर दैट इज जिसका करेक्ट आंसर है कि ये यशोभूमि जो है ये डेवलप किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल जो है इसे इनोग्रेट किया गया है करेक्ट आंसर है केरला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्रीज को इनवाइट किया गया था एस गेस्ट कंट्रीज जी ट्वेंटी समिट के लिए और ये साल का जी ट्वेंटी समिट जो है गाइस इंडिया ने चेयर किया हुआ था तो करेक्ट आंसर है टोटल नाइन कंट्रीज को इंडिया ने इनवाइट किया हुआ था जी ट्वेंटी की मीटिंग जो है ये न्यू दिल्ली में हुई थी और ये नाइन कंट्रीज जो है वो थी बांग्लादेश इजिप्ट यू नेदरलैंड्स मॉरिशियस नाइजेरिया ओमान सिंगापुर एंड स्पेन नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरंत कप 2023 ये किसने जीता करेक्ट आंसर है मोहन बगान सुपर जॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने फॉर्म किया है एक थ्री मेंबर लॉ पैनल ताकि एंटी पॉलिगामी लॉ को ड्राफ्ट किया जा सके जिसका करेक्ट आंसर है असम नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से इंडियन ने जीत लिया है 2023 का रेमनॉन मगस्याई अवार्ड करेक्ट आंसर है रवि कन्नन नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से इंडियन रेस्लर ने जीता ब्रॉन्ज मेडल इन द वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 करेक्ट आंसर है अंतिम पंगाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री जी सेवेंटी सेवन की मेंबर नहीं है करेक्ट आंसर है यूएसए फटाफट पड़ से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इंडिया जी सेवेंटी सेवन की मेंबर है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नेशनल व्हील चेयर रगबी चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री कौन से स्टेट ने जीता करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का पहला स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी जो लॉन्च किया गया सितंबर में सन को स्टडी करने के लिए उसका नाम क्या है करेक्ट आंसर है आदित्य एलवान राजवा एंड सुलाई हनी जिनको जी आई टैग मिला हुआ है ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर अब गाइस जीआई टैग जो है एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है इसके अलावा जो है ट्रेडमार्क होते हैं जो ब्रांड दैट इज कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम कोई भी प्रोडक्ट का नाम करने के लिए ट्रेडमार्क लिए जाते हैं कॉपीराइट जो है ये मूवीज के ऊपर मिलता है सॉन्ग्स के ऊपर मिलता है बुक्स के ऊपर मिलता है पेटेंट जो है किसी भी तरीके का इनोवेशन अगर होता है मान के चलिए कि कोविड के टाइम पे कोवैक्सीन जो है ये रिलीज करी गई थी अब ये कोवैक्सीन जो है तभी आई जब कोवी जो है कोविड आ गया था कोवैक्सीन कोविशील्ड क्या ये पहले एग्जिस्टेंस में थी नहीं इन्हें आविष्कार जो है इनका किया गया था इन्हें इन्वेंट किया गया था इसीलिए इनके ऊपर पेटेंट्स मिलता है और जी आई प्रोडक्ट्स के के ऊपर मिलता है जहां पे एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्पेशली वो ग्रो होता है या एक पर्टिकुलर प्लेस पे बनाया जाता है तो दार्जिलिंग टी जो है ये इंडिया का पहला जीआई था दूसरे एग्जांपल्स हो गए कोलापुरी चप्पल हो गया बनारस पान हो गया एटसेट्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मिडल नीरज चोपड़ा ने जीता ज्यूरिज डायमंड लीग चैंपियनशिप दो में करेक्ट आंसर है सिल्वर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी टीम ने क्रिकेट एशिया कप 2023 का टाइटल जीत लिया करेक्ट आंसर है इंडिया फटाफट से बताओ कि वर्ल्ड कप जो है किस कौन सी कंट्री ने जीता नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बुक पीपल्स जी ट्वेंटी इन न्यू दिल्ली जो एक इंडिया के जो जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी है उसके बारे में डिटेल्ड इन देते हैं करेक्ट आंसर है अपूर्वा चंद्रा नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली ऐसी कंट्री जिसने सक्सेसफुली अपने देश के सारे स्ट्रेट डॉग पॉपुलेशन को जो है वैक्सीनेट कर दिया उस कंट्री का नाम क्या है करेक्ट आंसर है भूटान नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से रेलवे स्टेशन को रिसेंटली अवार्ड किया गया है एज द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन और ये हाईएस्ट रेटिंग है प्लेटिनम का इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा करेक्ट आंसर है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन जो आंध्र प्रदेश में है नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने एक कंट्री में विजिट किया था ताकि उस कंट्री के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को मॉनिटर किया जा सके करेक्ट आंसर है मॉल्डवीस फटाफट से गाइस ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट अपियोर करो अगर अब तक जो है आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है या फिर गाइस सिंपल सी बात है अगर मार्क्स को बूस्ट करना है जानना है कितनी प्रिपरेशन हुई है कितनी नहीं हुई है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं उसे सॉल्व करने हैं तो फटाफट से ब्रह्मास्त्र मॉक जो है ये परचेस करो और उसे अपियर करो ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट होने वाली है टेंथ मार्च दो को नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा फर्स्ट कंट्री है जो कमर्शियल डीप सी माइनिंग में एंगेज होगा करेक्ट आंसर है नॉर्वे नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री की मेंस टीम ने जीत लिया ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 करेक्ट आंसर है इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन इस कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जहां पे इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते 2023 के एशियन गेम्स में करेक्ट आंसर है शूटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज नारी अदालत इनिशिएटिव इसकी इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसको दी गई है करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज हो टेम्पल्स जिन्होंने रिसीव किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का टैग ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है करेक्ट आंसर है कर्नाटका नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्बेक्स एक्सरसाइज जो ऑर्गेनाइज करी जाएगी बिटवीन नेवी ऑफ इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में करेक्ट आंसर है सिंगापुर नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्पोर्ट जो है यहाँ पे इसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स जीते हैं। करेक्ट आंसर इज शूटिंग गाइस फटाफट से बताओ 2023 की एशियन गेम्स में टोटल कितने मेडल्स इंडिया ने जीते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको ऑनर किया जाएगा द दादा साहेब फाल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड करेक्ट आंसर है वहीदा रहमान फटाफट से वीडियो को लाइक करो अगर अब तक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो यार नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने जो है रिसेंटली किसको इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ मॉलवीज करेक्ट आंसर है मोहम्मद म्यूज नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल स्पेस डे जो सेलिब्रेट किया जाएगा ऑगस्ट ट्वेंटी थर्ड को हर साल ये किस लिए किया जाएगा करेक्ट आंसर है चंद्रयान थ्री का जो मिशन लूनार लैंडिंग सक्सेसफुल रहा था उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्लोबल ट्रीटी जो डिजाइन करी गई है ताकि वेटलैंड जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के है हम उन्हें प्रोटेक्ट कर सके वो कौन सी ट्रीटी है करेक्ट आंसर है रामसर कन्वेंशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोजेक्ट जिसका मेन एम है कि तीन क्रू मेंबर्स जो है ये भेजे जाएंगे फॉर अ पीरियड ऑफ थ्री डेज इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये कौन सा मिशन है करेक्ट आंसर है गगनयान अब टोटल कितने मेंबर्स है यह हम आगे चल के दूसरे क्यू में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आईफोन मेकर ने अप्रूव किया है कि इंडिया में उसका एक यूनिट जो है डेवलप किया जाएगा जो उसके सेल्स करेगा वो कौन सी कंपनी है करेक्ट आंसर है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वुमेन जिनको भारत रत्न अवार्ड इंडिया में दिया गया था करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी गाइस फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए इस साल टोटल कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड जो है ये दिया जाने वाला है और उनके नाम क्या क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म रिसीव द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट दिक्कटी नाइन्थ नेशनल फिल्म अवार्ड करेक्ट आंसर है रॉकेटरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ऐसा कॉमेट है जिसको रेफर किया गया है एज ओरिनॉइड मीटर शावर करेक्ट आंसर है हेलीज कॉमेट अगला क्वेश्चन है किसने इनग्रेट किया मीटी कैफे सुप्रीम कोर्ट के प्रोमाइसिस में जो इंडिविजुअल्स जो डिसेबिलिटीज जो है जिनको है उनकी एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाएगा उनकी इंक्लूसिविटी को प्रमोट किया जाएगा करेक्ट आंसर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दैट इज जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री ने साइक्लोन हमून का नाम रखा हुआ है करेक्ट आंसर है ईरान नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी थीम जो है ये रखी गई थी नेशनल एजुकेशन डे 2023 के लिए करेक्ट आंसर है एम्ब्रेसिंग द इनोवेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन्स मैस्कॉट जो था वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में उस मैस्कॉट का नाम क्या था करेक्ट आंसर है जूही नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको अपॉइंट किया गया है यूपीआई सेफ्टी एम्बेसिडर बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज एनपीसीआई करेक्ट आंसर है पंकज त्रिपाठी नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल लीगल सर्विस डे कब सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल करेक्ट आंसर है नाइन्थ नवंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन सिटी जिसने रिसेंटली रिसीव किया सिटी ऑफ लिटरेचर का टाइटल बाय यूनेस्को ये कौन सी है करेक्ट आंसर है कोजिकोडे गाइस फटाफट फड़ से ब्रह्मास्त्र जो है यहाँ पे ज्वाइन करिए ताकि आपको इसी तरीके के सारे सब्जेक्ट के जो है सॉल्व करने के लिए मिल सके एग्जैक्ट पेपर वाइज जो है आपको फील आ सके बिफोर द एग्जाम नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे फाल्गुनी शाह को नॉमिनेट किया गया था 2024 ग्रैमी अवार्ड्स में करेक्ट आंसर है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको अवार्ड किया गया है एस द ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर दर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री करेक्ट आंसर है नंदिनी दास नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी सिटी होस्ट करने वाली थी वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट 2023 करेक्ट आंसर है यूएई दैट इज दुबई नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ऐसी पहला जो है फर्स्ट वुमेन महिला क्रिकेटर है जिनको इंडक्ट किया गया है इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम करेक्ट आंसर है दियाना एडुलजी नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी कंट्री जो है ये मेंस वॉलीबॉल क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री होस्ट करने वाली है करेक्ट आंसर है इंडिया नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट महिला मेडिकल ऑफिसर इंडियन आर्मी में जिनको डिप्लॉय किया गया साइचिन में उनका नाम क्या है करेक्ट आंसर है गीतिका कौर नेक्स्ट क्वेश्चन किसको रैंक किया गया एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर लीडर सितंबर 2023 मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के हिसाब से करेक्ट आंसर है नरेंद्र मोदी नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ने एक रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया है अब अयोध्या जंक्शन जो है ये कौन से नाम से जाना जाएगा करेक्ट आंसर है अयोध्या धाम नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुमेन सिंगल टाइटल एट द नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2030 ये किसने जीता करेक्ट आंसर है अदिति पारेख कौन सी इंस्टीट्यूशन ने कॉन्स्टिट्यूट किया है टास्क फोर्स के वो एग्जामिन करेगा डिजिटल डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल इंश्योरेंस सेक्टर के लिए करेक्ट आंसर है IRDAI गाइस फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए इसका फुल फॉर्म क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया है करेक्ट आंसर है वैशाली रमेश बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट ने कौन से स्टेप्स डायरेक्ट किए जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर के लिए करेक्ट आंसर है कोर्ट ने इमीडिएट रिस्टोरेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड का ऑर्डर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही रेयरली पाया जाता है और अभी अभी हमें डिस्कवर हुआ है सतलज रिवर में करेक्ट आंसर इज टम नेक्स्ट क्वेश्चन इज बांग्लारे सॉन्ग जो है रिसेंटली अब दॉन्ट बंगाल ऑथर कौन है करेक्ट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर हमारे देश का नेशनल एंडम जो है ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है गाइस फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था और कब इसे नेशनल एंडम ऑफ इंडिया की जैसे अडॉप्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का पहला सोलर पावर बोर्ड जो है यह कौन से रिवर में ऑपरेट करेगा करेक्ट आंसर है सरयू रिवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है करेक्ट आंसर है बारह जनवरी नेक्स्ट क्वेश्चन नेम किया गया है एज द पर्सन ऑफ द इम मैगजीन करेक्ट आंसर है टेलर स्विफ्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से कंट्रीज जो है ये ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाले हैं डबलिंग इट्स मेंबरशिप गाइस फटाफट से कमेंट बॉक्स में ब्रिक्स का फुल फॉर्म मेंशन करिए करेक्ट आंसर है सऊदी अरेबिया ईरान यूएई इथोपिया और इजिप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन से ऐसे बिजनेस कॉन्मोग्रेट होंगे जो अब लीड करेंगे धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को करेक्ट आंसर है अडानी नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहले इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए जाते थे तो इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई थी करेक्ट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अब ये इशू नहीं किए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल हेड किया है नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसे टाइटल मिला है इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क का करेक्ट आंसर है पेंच टाइगर रिजर्व नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ऐसा स्पोर्ट है जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 2024 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहली बारी करेक्ट आंसर है स्कोश नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है ये क्या है करेक्ट आंसर है एटीएथ फटाफट से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए गाइस कि कितनी कंट्रीज में इंडियंस जो है ये बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल जो है अलाउड है नेक्स्ट क्वेश्चन के चेयरमैन जो है है ये किसको किया गया करेक्ट आंसर है, है डॉक्टर अरविंद पनागेरिया फटाफट से गाइज अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और यार एक लाइक तो बनता है इतने सारे करंट अफेयर्स जो एक्सपेक्टेड है ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे तो फटाफट अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है जो बताता है कि इंडियन गवर्नमेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलीज करेंगे जिनको कॉमनली बजट बोला जाता है करेक्ट आंसर है आर्टिकल वन वन टू नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि इस साल का बजट क्या एनुअल बजट था कि कोई और टाइप ऑफ बजट था नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट ऑफ फोर्ब्स कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी है इस दुनिया की करेक्ट आंसर है कुवैती दिनार नेक्स्ट क्वेश्चन इज अयोध्या राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन जो हुआ उसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे करेक्ट आंसर इज चंद्रकांत सोमपुरा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल वोटर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है हर साल करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फिफ्थ जनवरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने अचीव किया है रिकॉर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया का करेक्ट आंसर है तमिलनाडु नेक्स्ट क्वेश्चन है कौनसी फिल्म जो है इसने सिक्योर किया है हाईएस्ट नंबर ऑफ नॉमिनेशंस एट द नाइनटी सिक्स एनुअल एकेडमी अवार्ड्स करेक्ट आंसर है ओपन हाइमर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो न्यू मॉन्यूमेंट महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया है पटना बिहार में उसका नाम क्या होगा करेक्ट आंसर है बापू टावर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कितने एस्ट्रोनॉट्स को नॉमिनेट किया गया गंगायान मिशन के लिए गंगायान मिशन के लिए करेक्ट आंसर है गाइस फोर एस्ट्रोनॉट्स उनके नाम जो है वो है कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप एंड विंग कमांडर सुभाषु शुक्ला प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे इनके नाम जो है ये अनाउंस किए हुए थे और साथ ही साथ इनको एस्ट्रोनॉट विंग्स भी प्रेजेंट करे गए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 में करेक्ट आंसर है फोर्टी सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऐसा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली डिसाइड किया कि मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1935 को रिपील किया जाएगा करेक्ट आंसर है असम नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू करेक्ट आंसर है अजय खानबुलकर गाइस फटाफट से मॉक टेस्ट जो है अगर अब तक इसके लिए जो है आप अभी भी सोच रहे हो क्या करना है क्या नहीं करना है तो अब तो देरी मत करो दो ही दिन बाकी है और फटाफट से ये मॉक टेस्ट अपियर करो जिससे आपको आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता चले सो दैट्स इट गाइस डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और ये वीडियो महाराष्ट्र लॉ सीईडी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है ये पता चल सके तो गाइस बी रिकार एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम लाइव क्लास रिकॉर्डिंग लेक्चर बुक्स ई बुक्स एंड टेस्ट बैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं फॉर लॉ एंड एम बी एंट्रेंस एग्जाम डोन्ट फर्गेट टू फॉलो अस एंड डोन्ट फर्गेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद यर फ्रेंड्स एज वेल